कनेक्शन है इन सब का क्या कनेक्शन है आज की तारीख में आइए बताते हैं हैं जब यीशु का खतना हुआ था आप जानते हैं, तो हमारा भी हो गया था मैं आपको बताता हूं क्यों क्योंकि लूका धोखा इक्कीस कहता है जब आठ दिन पूरे हुए किसके यीशु के उसके खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया तो यीशु का जब खतना हो रहा था बाप रे आप लोग मेरे साथ में हो कि नहीं हो समझ में आ रही है बात जब यीशु का खतना हो रहा था तो उसमें हम सब जो आज यीशु को मानते हैं उन सब का खतना हो गया पास डेनियल कहां लिखा है ये देखो खुलूसियो दो दस लिखा है तुम उसी में भरपूर हो गए हो जो सारी प्रधानता अधिकार का शिरोमणि है कुलूसियो दो ग्यारह दस के बाद ग्यारह कहता है उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता अर्थात मसीह का खतना जिसे शरीर शारीरिक दह उतार दी जाती है तो इसका मतलब है कि आपका खतना यीशु मसीह में हुआ जब यीशु का खतना हो रहा था यीशु का खतना हो रहा था तो डैनियल का आपका सबका जितने लोग सुन रहे मैं उन सब की बात कर रहा हूं हम सबका खतना हुआ दूसरे शब्दों में अब हमको बाहर का खतना नहीं चाहिए परमेश्वर हमको यह सिखा रहा है यहां पर हमको यह सिखा रहा है यहां पे इन सब का क्या कनेक्शन है वो पर्वत का क्या कनेक्शन है वो हरूण का क्या कनेक्शन है बेटा कहां से बीच में आ गया जो परमेश्वर कह रहा है कि मैं इसको मार दूंगा अगर इसका खतना नहीं हुआ और यही चीज परमेश्वर ने किया वहां पर बेटा मरा फिरौन का क्योंकि लहू नहीं बहा यहां पर इजिप्ट का बच्चा नहीं माफ करे इसराइयों का बच्चा नहीं मरा क्योंकि एक मेहमाना बचा एक मेहमाना कटा और उसका लहू बहा आज पूरी दुनिया का बच्चा मर सकता है लेकिन एक बेटा मरा एक बेटे का खतना हुआ वो बेटा कौन है अजीज वो बेटा है ये मसीह हाँ, कैसा लग रहा है कैसा लग रहा है अब मुस्लिम्स, सनातन धर्म वाले और वो सभी आप मुझे बताइए मैं यीशु को क्यों नहीं कहूं कि ये खुदा है मैं क्यों नहीं कहूं यीशु मसीह सच्चा है मैं क्यों नहीं करू करूं प्रचार कि यीशु को छोड़ कोई दूसरा रास्ता नहीं है आपके ऐसे देश और आपके ऐसे कंट्री जहां रात रात में देवता तैयार होते उसके बीच में यह प्रचार क्यों नहीं करूं क्योंकि यह सच्चा परमेश्वर है बताइए और यही तो वजह है कि मैं आपके बीच में प्रचार कर रहा हूं आपको पता है पीड़ित के काम पंद्रह का एक में क्या लिखा है मैं आपको बताता हूं जब ये खतने का चर्चा चल रहा था ना ये जो खतना है ना ये जब चर्चा चल रहा था ना तो जो पहली सदी की कलिसिया थी ना उसके बीच में कुछ लोग ऐसे थे मैं बताता हूं क्या थे पंद्रह का एक फिर कितने लोग यहूदी से यहूदिया से आकर भाइयों को सिखाने लगे शब्द देखो सिखाने लगे डॉक्टरिन इसको कहते हैं सरकम साइस डॉक्टरिन या सरकम सरकम डॉक्टरिन या जो भी बोलना चाहे खतना वाला डॉक्टरिन यदि यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना ना हो तो तो तुम उद्धार नहीं पा सकते जबकि मूसा माफ करे जबकि बहुलूस कहता है कि हमारा ऑलरेडी खतना हो चुका है ये आकर मूर्ख लोग मूर्ख नहीं महामूर्ख आकर कहते हैं और कहते नहीं सिखा रहे इन्होंने बकायदा डॉक्ट्रीट बना दी कहते हैं कि जब तक खतना नहीं होगा आपका उद्धार नहीं होगा खतना की जगह पे एक और डॉक्ट्री नहीं है दो सौ साल से अजूजा सीट से स्टार्ट हुई है कि जब तक अन्य भाषा में बात नहीं करोगे आपको पवित्र आत्मा नहीं मिला तो ये मूर्ख ये महामूर्ख अब बताइए जो कि कल बात करूंगा इसके ऊपर अन्य भाषा का टॉपिक आएगा अब मुझे प्लीज बताइए इनको हम किसकी श्रेणी में लेकर आए किस कैटेगरी में लेकर आए कि कुछ यहूदिया से लोग आकर कल को सिखाने लगे कि मूसा की रीति पर अगर खतना ना हो तो तुम उदार नहीं पा सकते अब इनको कौन बताए कि खतना ऑलरेडी हो चुका है वापस आते हैं कि खतना ऑलरेडी हो चुका है अजीजो यीशु का जब खतना हुआ था लूका की किताब उसका एक, दो का इक्कीस में कि जिस दिन आठवें दिन के बाद यीशु का खतना हुआ उसी में खतना आपका मेरा पुरुषों का हो चुका है जब खतना हो चुका है तो ऐसी टीचिंग क्यों कि आपका जब तक खतना नहीं होगा आपका उद्धार नहीं होगा कम से कम सबसे ज्यादा हाईएस्ट मेजोरिटी आफ्टर क्रिश्चियनिटी एक ऐसा कौम है जिसको कहते हैं मुस्लिम जिसको कहते हैं इस्लाम ये मानती है कि खतना होना जरूरी है अब उनको कौन बताए कि परमेश्वर जिसने जिसको तुम अल्लाह कहते हो जिसको तुम खुदा कहते हो हम उसको यहोवा कहते हैं जिसको हम एलोहिम कहते हैं जिसको हम परमेश्वर कहते हैं वो खुद कहता है कि खतना हो चुका है फॉर एवरी वन एंड फॉर ऑल टाइम सबके लिए और हमेशा के लिए क्या बात करते हो यार खतना हो चुका है फिर यह खतना की टीचिंग क्यों यह खतना की टीचिंग क्यों ये बाहर का खतना क्यों जबकि अंदर का खतना हो चुका है पत्रस का प्रचार देखिए पृथ्वी के काम उसका पंद्रह का आठ का नौ में पत्रस क्या प्रचार करता है वहीं खड़े होकर उसी अध्याय में वो कहता है मन के जांचने वाले परमेश्वर ने उनको भी हमारी नाई पवित्र आत्मा देकर उनकी गवाही दी है और विश्वास के द्वारा उनके मन को शुद्ध करके हमें और उनमें कुछ भेद ना रखा तो खतना क्यों खतना क्यों आविश्वासी की बात कर रहा है या खुद का प्रचार सुनिए कहता है इसीलिए मेरा विचार यह है उन पंद्रह का उन्नीस में वो कहता है अन्य जातियों में से जो लोग परमेश्वर की ओर फिरते हम उन्हें दुख ना दे ब्रैकेट में खतना हम उनको खतना क्यों करें पवित्र आत्मा का प्रचार देखिए प्रेरितों के काम उसका पंद्रह का अट्ठाईस में कहता है पवित्र आत्मा को और हमको यहां पे कौन कौन है पता है यहां पे पौलूस है यहां पे बरनबास है यहां पे साइलस है सिलास वो तीनों मिलकर कहते हैं अन्य जाति की कलिसिया को जाकर के कलिसिया ने तय किया है अपोस्तल के लोगों ने तय किया है कि किसी प्रकार का खतना नहीं होगा क्योंकि पवित्र आत्मा को और हम को प्रेरितों की कलिसिया को यानी कि अपोस्तल की कलिसिया को ठीक जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर और बोझ ना डाले और भोज ना डालें अब एक डेंजर बात बोलने जा रहा हूं खतरनाक चीज बोलने जा रहा हूं अगर उस दिन यह मीटिंग नहीं हुई होती या ना हुई होती कौन सी मीटिंग खतना के ऊपर यह देखो वापस डाल देता हूं रख रहा हूं कम गया यह वाला क्या सिखा रहे थे खतना होना चाहिए अगर खतना नहीं हुआ तो उधारने ये टीचिंग चल रही थी शुक्र है पीटर आ गया शुक्र है याकूब आ गया शुक्र है भर आ गया शुक्र है पौल आ गया शुक्र है पवित्र आत्मा आ गया <laughs> इसने लिखा है पवित्र आत्मा को और हमको यह ठीक जान पड़ा कि आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर और ना डाले अगर उस दिन यह मीटिंग ना हुई होती तो आज खतना एक डॉक्ट्रिन बन जाता थोड़ा हजम करो आगे बढ़ना है मुझे दोस्तों कैसा लग रहा है इसलिए क्या लिखा है पहला पता चार का ग्यारह में और सात का चार का चौदह में साथ ही साथ अगर प्रचार का गिफ्ट मिला है डंके की चोट पे प्रचार करो मैं वही कर रहा हूं अगर उस दिन वो मीटिंग नहीं हुई होती उस पहली सदी में पथरस बीच में खड़ा ना हुआ होता या खूब बीच में नहीं आता पवलूस बीच में नहीं आता और पवित्र आत्मा बीच में नहीं आता तो एक डॉक्ट्रीन बन जाती कि पहले विश्वास करो फिर बाप्टिस लो और फिर खतना करो उसके बाद तुम्हारा विश्वासी में रजिस्टर्ड में चर्च के सर्टिफिकेट में तुम्हारा नाम होगा तो एक बैप्टिस्ट एक सर्टिफिकेट है डेडिकेशन का डेडिकेशन का दूसरा सर्टिफिकेट आता बैप्टिज का और डंके की चोट पर बोलता अगर वो मीटिंग नहीं हुई होती तो एक सर्टिफिकेट होता सरकम साइज का सर्टिफिकेट ऑफ सरकम साइज खतना का सर्टिफिकेट क्या बात है और फिर मुस्लिम और हम में कोई फर्क नहीं रहता अब बताइए दोस्तों मैं फिर पूछूंगा आपको खतना कहां का कराना है ये देखिए रोमियो आर्ट का धोका क्योंकि वह यह होती नहीं जो प्रगट में यहूदी है ना वह खतना जो प्रगट में है और देह में है यह सब खतना नहीं है पर यहूदी वही है जो मन में है और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है ना कि लेख का जो मूसा ने लिखा या अब्राहम ने कहा ऐसो की प्रशंसा मनुष्य की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है जिसका खतना बाहर नहीं अंदर हो चुका है यारमे चार चार कहता है ये यहूदा के लोगों और हे यहूदा के लोगों और यरुशलेम के निवासियों यहुवा के लिए अपना खतना करो हाँ मन में खतना करो मन का खतना करो अपने मन का खतना करो नॉट शरीर का ये क्यों मूसा के बाद अब्राहम के बाद यार मैं को ये बातें क्यों के खतना करो लेकिन कहा अपने मन का नहीं तो तुम्हारे बुरे कामों के कारण मेरा क्रोध आग की नाई भड़केगा और ऐसा होगा कि कोई उसे बुझा ना पाएगा मैं मूसा के बेटे को नहीं छोड़ा तुम क्या चीज हो मैं मूसा के बेटे को नहीं छोड़ा तुम क्या चीज हो अब बताइए